और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मई से बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नवी मुंबई का 20वां प्रॉपर्टी एक्सपो शुरू हो रहा है। क्या खासियत है इसकी, कितने बिल्डर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, कितनी संपत्तियों की प्रदर्शनी होने वाली है, हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। बीएनएम के प्रेसिडेंट सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर गुड इवनिंग टू आपके जो भी दर्शक हैं उसके लिए। ओवरऑल 50 से 60 बिल्डर लोग अभी तक पार्टिसिपेशन उन्होंने लिखा है। एक्सपेक्टेड है कि 70 से 80 पार्टिसिपेंट्स होंगे और 100 से ऊपर प्रोजेक्ट्स के इधर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। पोस्ट कोविड बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पब्लिक को आके देखना चाहिए क्या चेंज हो चुका है, बिल्डिंग में कैसे फ्लैट डिजाइन होते हैं पोस्ट कोविड और क्या क्या और नई चीज़ें मार्केट में अवेलेबल। एक चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है कि बहुत लंबा लॉकडाउन रहा है, तकलीफ भी नहीं है, ऐसे लगता है एजुकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा हो सकता है घर क्लास के हिसाब से। डेफिनेटली जो घर नहीं खरीद सके हैं और जो कन्फ्यूजन स्टेट में है तो उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ेगी। क्योंकि क्या है तो बहुत कुछ प्रेस में लिखा जाता है वन वे और अदर, कभी एक महीना बोलते हैं बहुत ही फ्लैट बिक गए, कभी बोलते हैं अभी बहुत बिल्डर लोग के भाव गिर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्रोवर्सी जो चीज़ है तो खुद एग्जीबिशन में आएंगे, खुद मिले करेंगे तो उनको लाइव देखने को मिलेगा, बिल्डरों से बात करने को मिलेगा और दे कैन टेक देयर ओन जजमेंट। जो आप बोलते हैं जो जो ग्राउंड लेवल पे जो अपना डायग्नोसिस करना है उनको जो मिलेगा विल बी अवेलेबल। इस बार वेन्यू बदल रहा है और जहाँ वेन्यू है वहाँ कम बिल्डर पार्टिसिपेट कर पा रहा है जबकि डिमांड ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखाई जा सकती है, इसके लगता है इसका असर पड़ेगा। और अगर असर नहीं पड़ेगा तो क्या खास रहेगा इस बार का प्रॉपर्टी को, किस तरह की प्रॉपर्टियों को ज़्यादा फोकस किया गया? देखो ये एग्जीबिशन हमारे लिए चैलेंज था बिकॉज जो कोविड से जो एग्जीबिशन सेंटर था इट इज स्टिल अ कोविड सेंटर और वो अवेलेबल नहीं था। इसके लिए हमको ये एग्जीबिशन करने के लिए बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ रहा है जो हमको ओपन प्लॉट में करना पड़ रहा है। इसके लिए एवरी वन वॉज शाई इन डूइंग दिस एग्जीबिशन, तो भी हम लोग एज अ एसोसिएशन हमने विचार किया कि नहीं दिस इज़ अ राइट टाइम, पब्लिक को चॉइस चाहिए, कोविड सेंटर चलते रहेगा, लेट अस थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव और सिटको और एजेंसी के सहयोग से हमको अच्छा ऑल्टरनेटिव मिला है और हम उसको आखा सेंट्रली एसी टेंट बना के वो एग्जीबिशन कर रहे हैं। क्या यूएसपी होगी, क्या अपील करना चाहिए? यूएसपी तो मेन तो रहेगा एक वर्टिकल डेवलपमेंट की यूएसपी रहेगी जो ये टाइम बिकॉज पोस्ट कोविड और ये नई सरकार आने के एमबीए सरकार आने के बाद उन्होंने जो एफएसआई का एनहेंसमेंट किया है, एफएसआई जो बढ़ाई है उसके वजह से बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, बहुत कुछ वर्टिकल डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी बहुत ही चेंजेस है जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में, उनको पब्लिक को आके ये सब चीज़ को देख के रियलाइज करके डिसाइड करना पड़ेगा। थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना बीएनएम के प्रेसिडेंट थे इस बार बता रहे हैं कि ये पोस्ट लॉकडाउन जो इस बार का ये जो प्रॉपर्टी एक्सपीशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक घर खरीद नहीं पाए। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया।